भाई बच्चे सबसे अच्छे आ चुके हैं मुझे जगाने के लिए। मैं सोने लगा था बट गाड़ियां वाड़ियां बाइक लेके निकल आए हैं रोडों पे छड़। एवरीवन यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचवीएन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 10:30 और आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ही वेला इंसान है ये, 10-10 बजे तक सोया रहता है। ऐसी बात नहीं, अभी मैं 5 बजे तकरीबन जागा था और 6:30 से मैंने तकरीबन 2-3 घंटे काटी है लकड़ियाँ। हालत देख सकते हो आप, पसीने से बुरी हालत और भाई सांस फूरी हुई है गर्मी इतनी। तो उसके बाद काटने के बाद आके मैं इधर लेटा तो अभी मैं व्लॉग को स्टार्ट कर की नहीं आता। ये देख लो भाई हाथ भी कट गया था एक, मतलब लकड़ी का पीस आके लगा जोर से। तो अभी चलते हैं बाहर और भाई देख लो इस धूप में मैंने इतनी मजदूरी की, मजदूरी नहीं घर का काम ही था, तो इतनी धूप में इतनी सख्त गर्मी में बड़ा मुश्किल काम होता है। और भाई अभी अभी जस्ट मैंने चेक किया कि वीडियो डाली थी गंजा होने वाली, तो उस पर हो चुके हैं 350 व्यूज़। मतलब बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, बाकी लोग तो मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है 350। हमारे नॉर्मल व्यू आते 4-5-6, हद ज़्यादा 10। एकदम से वीडियो डालो और 3 ही दिन में वो चली जाए 350 व्यूज़ पे, तो भाई अंदाज़ा लगा सकते हो आप खुशी के लेवल का। और मेरे एक दोस्त ने भी डाली उसकी, तो मुझसे भी आगे निकल गई। वो वाला सीन था, मतलब उन लोगों को इतनी गंज क्यों पसंद आ रही है मेरी, हर मजाक वाली बात थी। तो मेरे दिन में एक बात आ रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें कि मैंने आखिरकार टिंड करवाई क्यों, मेन वजह क्या थी इसकी। तो भाई मेन वजह ये थी कि एक तो गर्मी थी, मतलब लेकिन गर्मियाँ पहले भी आती रही हैं, कभी मैंने टिंड नहीं करवाई। तो इस मरतबा करवाने का रीज़न ये था कि एक चीज़ सीखनी जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझ में नहीं थी, वो थी बर्दाश्त। मतलब करवाने के बाद में लोगों के मतलब फ़नी रिएक्शन, जो सब कुछ अपने अंदर मतलब बर्दाश्त कर सकूं, तो उस चीज़ के लिए मैंने टिंड करवाई। मेन रीज़न वो थी और दूसरी गर्मी तो थी और तीसरा व्लॉग भी अच्छे नहीं बन रहे थे, तो ये 3 रीज़न थे। ऐसे में टोपी उतार के चलता हूँ ना तो लोग मतलब हंसते हैं मुझे, क्या बोलते हैं छीला हुआ अंडा उबला हुआ आलू। तो वो मतलब नया नया एक्सपीरियंस लेना था लाइफ में और कमाल कर दिया टिंड ने। तो भाई अभी इधर में आया था इस वीडियो का थंबनेल लेने, जो कि मैंने ले लिया है। तो अभी कुर्सी के इधर विंडो हुई बंद, थंबनेल हो गया क्लिक, तो अभी चलते हैं बाहर। भाई लाइट नहीं आ रही यार, टोटल 10 मिनट देखते हैं फिर ले जाते हैं। मक्खी मक्खी हूँ मैं, मक्खी किधर गई, आ गई भाई। आज मैं इनको तंग करने वाला हूँ। लास्ट लास्ट व्लॉग में आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो मक्खी वाला, मक्खी ने कितना तंग किया मुझे। और आज मेरी बारी है, मैं इनको तंग करूंगा। मिल नहीं रही भाई, भाग गई। मैंने एक चीज नोटिस की, देखो मैं कौन सी चप्पलों में हूँ और ये साइड पे देखो। तो भाई ये वाली चप्पलों को छोड़ के अभी दूसरी किधर है, दूसरी किधर है यार। अरे एक ही चप्पल दूसरी किधर गई, ये सही है भाई, एक ही चप्पल मिली है, दूसरी है ही नहीं। और दूसरी भी मैंने उतार दी, अब उन्होंने तो आना नहीं। खैर अभी काम ये करते हैं, ये लगा पहनते ये हैं, इसको उठाते हैं और ऊपर चढ़ के देखते हैं इसके साथ वाली मिल जाए तो यही पहनेंगे। गई भाई ये मिल गई, तो ये पहली भाई। ये देखो सुबह सुबह मेरे कपड़े भी सारे के सारे ऊपर तक फट गए, क्योंकि लकड़ी मैं उठा रहा था ऐसे गई और सारे कपड़े फाड़ गई। तो अभी कपड़े भी बदलते हैं। तो हाँ भाई कपड़े वपड़े बदल लिए, नहाया नहीं हूँ मैं क्योंकि मैं सुबह नहा के गया था और सुबह काम करने के बाद मैं नहाया था और ऊपर से पानी की भी थोड़ी किल्लत है, तो रोज़ रोज़ घर वालों को तंग करना अच्छी बात नहीं। तो भाई सीन ये होता है कि जब भी मैं व्लॉग नहीं कर रहा होता तो टोपी होती है मेरे सर से, मतलब नीचे, मैं सर पे नहीं रखता। जैसे व्लॉग कैमरा ऑन होता है मैं टोपी रख लेता हूँ सर पे, यूजली ऐसे ही पड़ी रहती है। सीन ये है कि अभी मैं लेट के मोबाइल यूज़ कर रहा था और बैटरी इसकी अचानक से हो गई ख़त्म, यानी कि only 2%। तो अभी कोई कन्फर्म नहीं है, इधर कोई लाइट बल्ब भी नहीं है और ना कोई पंखा चल रहा है। लाइट है हमारे घर पे या नहीं, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो जाऊंगा मैं। कोई तो फिर डिले हो जाएगा व्लॉग, क्योंकि शाम तक फिर लाइट नहीं आएगी तो व्लॉग कैसे होगा। तो भाई अभी इधर से होगा बटन ऑन और देखते हैं, ये हो गया, मैं कैमरे के साथ देखूंगा ठीक है भाई। अरे भाई लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट है। जब ओ भाई वो पूरा गर्म हो रहा था ये, अरे ये क्या, अरे ये गर्म कैसे होता है, लग कैसे रहा है जैसे बादलों के पीछे से सूरज निकल रहा हो। बस बता सूरज भैया किधर गया, ये हैं बादल आ गए। तो भाई लगाते हैं फटाफट से मोबाइल को चार्ज पे ठीक है, और मिलते हैं चार्ज होने के बाद। तो भाई अभी टाइम है डिनर का, तो फटाफट से चलते हैं डिनर करने। अरे भाई घर में, अरे ये कौन आया है, हेलो हेलो, ठीक हो ठीक हो, खा लिया, चलो हो गया फाइनली लंच। और अभी मैं धूप में खड़ा था, बहुत सख्त धूप हो रही है भाई, बहुत, वैसे जैसे जून जुलाई में होती थी अभी वैसे। सुबह तो बादल थे बट अभी फिर से निकल आई, अभी मैंने बगैर धूप में चला गया अपनी गंज को लेके इस खतरनाक धूप में। तो खैर अभी लंच हो चुका है और अभी फिर से थोड़ी रेस्ट करते हैं, धूप में तो कहीं नहीं जा सकते। एक तो बच्चों के खिलौने हर जगह भाई रास्ते में फेंके होते हैं इन्होंने। भाई बच्चे सबसे अच्छे आ चुके हैं मुझे जगाने के लिए, मैं सोने लगा था बट गाड़ियाँ वाड़ियाँ बाइक लेके निकल आए हैं रोडों पे छड़। चलो नीचे, चलो 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 अभी, क्योंकि घर पे कोई नहीं है तो ये छोटा नीचे से नीचे ना हो जाए। तो जैसे ये देखो भाई निकल गई गाड़ियाँ, बस बहुत खेली है। चलो चलो आओ 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 आओ, 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 आओ।
क्या ये बात सुनता है। सीन ये हुआ कि मैं तो पूरा दिन सोया ही रहा, अभी शाम को जागा हूँ तो मुझे पता लगा कि जो उस दिन हमने 4x4 जीप पे ऑफ रोडिंग करके एक मशीन लाई थी, वो थी पानी निकालने वाली मशीन, यानी कि बोरिंग करके जो पानी निकालते जमीन से वो वाली मशीन, वो हो चुकी है फिट। और अभी मैं उठ के हमाद भाई की तरफ आया तो उन्होंने बोला कि भाई उस मशीन की एक तार होगी जो आप खींच के ले गए हो इधर, और ये बहुत ही लंबी है, इधर से मेरे हाथ में और उधर से वो पीछे रोड में। तो अभी ये बचाते हैं और देखते हैं मशीन फिट हुई है कैसा, क्या क्या सीन है। तो भाई देख रहे हो स्ट्रगल, और एक तो इसके साथ आई थिंक रस्ट है, पूरी तार है ये, बेसिकली रस्सी नहीं है। तो ये देखो पूरे हाथ येलो हो गए मेरे। तो भाई अभी देखो बिल्ली के बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, कब से ये मतलब आवाज़ें निकाल रही है, जिसकी माँ नीचे है और ये ऊपर है, इस वजह से वो आ गई। आ गई भाई आ गई, माँ इसकी वो जा रही, बच्चा वो है, उसको बताओ भाई। हेलो, गई। अभी इसका क्या होगा। ये अभी हो चुकी है तकरीबन तकरीबन अंधेरा होने वाला है, मगरिब का टाइम हो चुका है, और अभी मशीन जो है वो फिट हुई है, स्टार्ट कल से होगी। इनका मैंने क्लिप बनाया था या नहीं, नहीं बनाया था यार, नहीं बना सका क्योंकि रश बहुत था उधर। तो कल जब मशीन स्टार्ट होगी तब स्टार्ट करेंगे व्लॉग उधर से, तो बाकी उधर ही काम में लगे थे तो बिजी होगी। अभी अंधेरे में वापस आए तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में इंतज़ार कीजिए, अल्लाह हाफिज़। हैं तो आज इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें तो उम्मीद याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। As long as it's with